आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात पटना में होने वाली 12 जून की बैठक को लेकर। पटना में 12 जून को होने वाली बैठक से पहले ही विपक्षी एकता का दावा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता पटना नहीं पहुंच रहे। बताया जा रहा है कि ना तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी बैठक में शामिल होने की संभावना ना के बराबर है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी इस समय विदेश दौरे पर हैं। इसके चलते मीटिंग की तारीख बढ़ाने की बात नीतीश कुमार से कही गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जिसके चलते राहुल गांधी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाग लेने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे के साथ केसीआर लेफ्ट के नेता और अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी ने पटना दौरे की पुष्टि नहीं की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में पटना में इस मीटिंग को आयोजित करने का सुझाव ममता बनर्जी ने ही दिया था। और बहरहाल विपक्षी एकता की बैठक से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की दूरी ये संकेत देने के लिए काफी है कि बैठक से पहले ही विपक्ष में सिर्फ फुटबॉल जारी है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कई सारी बातें हैं और खासतौर पे विपक्षी एकता जो है उसको लेकर एक बड़ी बैठक पटना में आयोजित हो रही है। किस तरीके से क्या कुछ है हम जानते हैं। विपक्षी एकता को लेकर बहुत बड़ी तैयारी है और यहाँ पे बैठक भी है, तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी या फिर खड़गे जी, इन लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। तो ऐसे में जो आपके विपक्ष के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये विपक्षी एकता के मायने क्या है। कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, राहुल जी जरूर उपस्थित होते अगर वो देश में रहते, या ये मीटिंग का डेट 12 तारीख की जगह कोई और होता आगे एक सप्ताह बाद, तो निश्चित रूप से राहुल जी भी रहते। खड़गे साहब को व्यक्तिगत कुछ परेशानी है, उनके डॉटर इन लॉ का ऑपरेशन होने वाला है, वो बाहर हैं इस वजह से, लेकिन कोई न कोई स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर और एक और सीनियर नेता उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कहने से ही नीतीश जी ने शुरुआत की और वो मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस का अलग होने का कहाँ सवाल उठता है। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो बिहार मॉडल है वो देश के स्तर पे लागू हो, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे मजबूत स्थिति में स्थानीय पार्टियाँ हैं, रीजनल पार्टियाँ, तो वहाँ पे कांग्रेस उस तरीके से उनके साथ हो, तो इसको कैसे देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। अब ये तो कहानी मुझे नहीं मालूम है, वो आपको मालूम होगा। कांग्रेस पार्टी से बात हुई है, दो दो तीन तीन बार मुख्यमंत्री जी जाके मिले हैं खड़गे साहब से, राहुल जी से बात किए हैं वहीं पे, तो ये सब बात तो हो चुकी है, ये कोई प्रेस में बोलने का बात थोड़ी ही है। बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो बता रहे हैं कि विपक्षी एकता की बैठक है, उसमें कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी या फिर खड़गे जी शामिल न भी हों, लेकिन जो ऊपर स्तर पे जो बातें हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो शामिल होंगे और मिलकर एक रणनीति जो है वो तय होगी और इस मुहिम को कैसे मूर्त रूप दिया जाए इसको लेकर यहाँ पे बातें होंगी, और इसके बाद फिर शुरुआत जो है मुहिम मिशन 2024 का वो शुरू होगी। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया पटना। बैठक में शामिल होने को लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुन